डीजीपी मनोज यादव पंचकुला सेक्टर 14 पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर 25 ट्रैफिक कंट्रोल क्विक रिस्पांस टीम बाइक राइडर्स को फ्लैग ऑफ किया गया और डीजीपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना व एक्सीडेंट में मृत्यु दर पर अंकुश लगाना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा एक्सीडेंट प्रोन एरिया की पहचान कर एहतियात के प्रावधान किए जा रहे हैं। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, फिर चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या पुलिस कर्मी या फिर सरकारी अधिकारी, कानून का उल्लंघन करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि पुलिस फोर्स की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। 5000 भर्तियां हो चुकी हैं और 5000 भर्तियों की नोटिफिकेशन आ चुकी है। प्रोग्राम करके बात करें, पहले बहुत खुशी की बात है कि आज हमने पंचकुला जिले में सड़क सुरक्षा को बिल्कुल एक फ्रंट लाइन पॉइंट के रूप में सामने लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करी है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत जो 25 मोटरसाइकिल हमें होंडा मोटरसाइकिल्स ने दी हैं पंचकुला पुलिस को, इनका प्रयोग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 2018 में लगभग 120 लोगों की मृत्यु पंचकुला ज़िले में हुई, तो हम इसी को नियंत्रित करने के लिए इनका डिप्लॉयमेंट करेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और किन कारणों से होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए जो सड़क में बाधाहीन रूप से ट्रैफिक चले और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका चालानिंग से ज़्यादा ट्रैफिक के रेगुलेशन पे और स्मूथ मूवमेंट पे हमारा प्रयास रहेगा। साथ में जो सड़क में लोग चलते हैं यूज़र एजुकेशन के ऊपर, तो इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष में पंचकुला ज़िले में जो होने वाले घातक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे। सर, आपने एक बात कही है कि जो वर्दी वालों का जरूर चलान करें, क्या आपको लगता है हेड कांस्टेबल या कोई जो खड़ा है वो आईपीएस का चलान कर पाएगा? और गवर्नमेंट व्हीकल्स के कितने चलान होते हैं अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें? आम आदमी का चलान होता है, गवर्नमेंट व्हीकल्स का चलान नहीं होता। मैंने यही तो कहा आपके सामने, मैंने सभी पुलिस कर्मियों से कहा कि जो सरकारी कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी है उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका है और उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वो कानून तोड़ते हैं तो मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि सबसे पहला चालान उनका होना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो आप, मैंने आपके सामने स्पष्ट आदेश दिए हैं और यदि आपको कोई नज़र आता है कि वो नहीं कर रहा है तो आप उसका फ़ोटो खींचिए, तो मैं उसकी ज़रूर कार्रवाई करूँगा। मेरा तो बिल्कुल क्लियर है कि जो कानून एनफोर्स करते हैं उनकी पहली जिम्मेवारी है कानून का पालन करना। दावे किए थे, वादे किए थे, कहाँ कितने आप ही बताएंगे आप कितने करे होते हैं? ये आप लोगों के लिए जज करने के लिए, मैं कोई दावे मैंने नहीं किए थे और मैं अभी उसके बारे में एक अलग मौका रहेगा, ये मौका सड़क सुरक्षा का है, उसी पे संबंधित पंचकुला पुलिस का सर व्हीकल्स प्रोवाइड करा देंगे, फोर्स की कमी है उसको प्रोवाइड करा देंगे, कैसे काम करेंगे? थाने में कमी हो जाएगी जी, थाने में भी मुलाजिमों की कमी हो जाएगी सर। नहीं, इनको अतिरिक्त पुलिस बल, आपको मालूम है कि अभी हमारे 5000 कर्मचारी भर्ती हुए हैं, इनकी मधुबन में ट्रेनिंग चल रही है और 5000 का और अभी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, तो जो हरियाणा पुलिस में बहुत सी वैकेंसीज थी इसकी वजह से कमी थी और हमने जो नॉन एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं उनको भी मैं उन पर गहरी नज़र मारते हुए ड्यूटीज़ विड्रॉ करके पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।